सुख अते समृद्धि का प्रतीक है धनतरोसी का त्यौहार। दिवाली तो कुछ दिन पहला जिहड़ा कि धनतरोसी का त्यौहार बड़ी ही उत्साह नाल मनाया जाता और लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा उड़ीक होंगी है, क्योंकि इस दिन लोग अपने घर वास्ते सोने चांदी के गहने की खरीद करते हैं और अपनी समर्था मुताबिक लोग जो ने बर्तना की भी खरीद करते हैं, क्योंकि अज का दिन जो कि खरीददारी का दिन है और अज की दिन की खरीददारी जी कि बहुत शुभ मनी जाती है, क्योंकि अज के दिन जी खरीददारी की होंगी है तो सारा साल जोड़ा कि वह बहुत शुभ रहा है। इस करके लोग ने जोड़े कि अपनी समर्था मुताबिक खरीददारी करने वास्ते जरूर पहुँचते हैं और तुम देख सकते हो कि जिते कि बहुत वड्डी गिनती लोग ने इत्थे सोने दे चांदी दे ते हीरियां दे गहने खरीदने वास्ते पहुँचे हुए ने। बहुत उत्साह नाल लोग जिहड़े ने इत्थे पहुँचे हुए ने, भावें सोने दी कीमतां आसमान छू रहियां ने पर इस दे बावजूद लोगों के उत्साह विच किते भी जिहड़ी कि वह कमी विखाई नहीं दिंदी। वन सुवन्ने डिजाइनां दे गहने लोग जिहड़े ने कि अज दे दिन खरीद करदे ने, तां गलबात भी लोगों नाल जरूर करांगे, क्योंकि अज जिहड़ा दिन है वो खास दिन है, खास करके औरतां जिहड़ियां नेगियां इत्थे कि सोने दे ते हीरियां दे गहने की खरीद करदियां ने। तो मेरे नाल इस शोरूम के ओनर वैशाली ने उन्होंने गलबात कर ली। वैशाली, किन्ने दी तैयारी रहिंदी है, क्योंकि जिहड़ा इह त्यौहार है कहिंदे खरीददारी बहुत शुभ मनी गई इस त्यौहार ते? पहले तो हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन, एंड जैसे कि आज धनतेरस है तो कहते हैं कि बहुत ही ऑस्पिशियस डे है और आज के दिन ज्वेलरी खरीदना बहुत ही लकी माना जाता है, तो चाहे वो गोल्ड की ज्वेलरी हो, डायमंड की ज्वेलरी हो या पोलकी की ज्वेलरी हो, तो इसलिए आज के दिन लोग अपनी शॉपिंग की लिस्ट बना के रखते हैं और इस दिन का वेट करते हैं ताकि वो आए और हमसे खरीद के जाए। सोना काफ़ी महंगा हुआ है तो इसके इम्पैक्ट पड़ता है खरीदारी पे? जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि सोने का रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो परचेजिंग है हमारे क्लाइंट्स की वो उतनी ही है, क्योंकि जैसे कि वेडिंग सीज़न आ रहा है, फेस्टिव सीज़न आ रहा है, ज्वेलरी कोई भी खरीदना बंद नहीं करता है, तो चाहे आज गोल्ड रेट बढ़ भी रहा है तो भी लोग ज्वेलरी ज़रूर खरीद रहे हैं। यहाँ पर आपको भी इंतज़ार रहता होगा इस दिन का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्राहकी होती है, ग्राहकों को भी काफ़ी इंतज़ार रहता है, नए नए डिज़ाइन देखने को मिलते हैं यहाँ पर? जी, जैसे कि फेस्टिव सीज़न आ गया है और अभी दिवाली भी आ गई है, वेडिंग सीज़न भी आ गया है, तो इस टाइम पे ना हम अपने सारे क्लाइंट्स के लिए कुछ नया लेके आते हैं, नए डिज़ाइंस लेकर आते हैं, पूरा नया स्टॉक ही लेकर आते हैं, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो या ब्राइडल सेट्स हो, उतनी बड़ी चीज़ें हो, हम हर चीज़ में अपनी नई डिज़ाइनिंग लेकर आते हैं। तो खरीदारी पर कुछ साथ में गिफ्ट भी देते हैं? हाँ, अब जैसे कि धनतेरस है और दिवाली आ गई है, सो धनतेरस से लेके दिवाली तक हम लोगों ने ये एक स्कीम रखी हुई है कि आप जो भी परचेज़ करते हो, छोटी चीज़ बड़ी चीज़, हर परचेज़ के साथ आपको एक फ्री गिफ्ट मिलेगा। कैसा रिस्पॉन्स रह रहा है लोगों का? सो रिस्पॉन्स इज़ नाइस। अभी जैसे कि कस्टमर्स में थोड़ी कन्फ्यूजन है कि धनतेरस आज है कि कल है, के लिए तो बढ़िया है, दो दिन खरीदारी हो जाएगी, बट हम लोगों ने आपकी कन्फ्यूजन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि धनतेरस दो दिन है, आज भी और कल भी है, सो आप आज भी आ सकते हो या कल भी आ सकते हो, आपका फायदा ही फायदा होगा फिर। इसमें कस्टमर्स का भी फायदा है, मुझे लगता है कि जैसे कि हर स्टोर में आप देख सकते हो हर कस्टमर आ रहा है खरीदने के लिए, तो जगह भी नहीं होती है बैठने के लिए, अब दो दिन धनतेरस है तो आपको एक प्राइवेट टाइम भी मिलता है, एक स्पेस मिलती है, एक वो रिटेल एक्सपीरियंस भी मिलेगा उस दिन को। आज धनतेरस के दिन वैसे रश बहुत अच्छा जा रहा है, लोग चांदी सोना सब सेट्स ले रहे हैं, अज के दिन शुभ होने करके कुछ ब्राइडल ज्वेलरी भी चाह रही है, जिससे अपना ब्राइडल सेट्स वगैरह देख रहे हैं, और इस दिन वैसे भी आज चांदी गोल्ड थोड़ा भी मतलब चाहे कॉइन के रूप से लैन चाहे वो ले रहे हैं, क्योंकि आज धनवंतरी की भी पूजा होती है, तो धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश के कॉइन्स हो गए या गोल्ड कॉइन होते उन्होंने लैके पूजा की जाती है, और सारे अच्छे अभी तो फ्रूटफॉल अच्छी है जा रही है, आगे सारा दिन बाकी है और अच्छी रहेगी, और सारे धनतेरस की मेरे वालों बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सब लोग दो दिन दी आजकल सारे फेस्टिवल्स हो रहे हैं, बट पंचांग अकॉर्डिंगली कह लो तो और पंडितों ने अकॉर्डिंगली भी आज का दिन ही वैसे क्या गया, बाकी कल का भी दिन हो जाएगा जो तो भी अगर धनतेरस कल सब दे अपने ऊपर है मनाने, कौन किस डे मान रहे हैं।
ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੰਤਰੋਸਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਰਤਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਧਨਤੇਰਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਧਨਤੇਰਸੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੈਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅੱਜ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਵੈਸੇ ਗੋਲਡ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਜੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਨਤੇਰਸੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਔਰ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੰਮ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਧਨਤੇਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬਿਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਪਸਰੀਚਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।